जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, शुक्रवार का दिन 9 सितंबर सुकर्मा योग, धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल और शनि का प्रभाव 11:35 तक, उसके बाद शनि राहु सतविशा नक्षत्र में अपने प्रभाव से आपको प्रभावित करेगा। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेगा। आज आपकी कुंडली में मंगल शनि राहु का प्रभाव, चंद्रमा की छाया, बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि होगी। बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी के लिए आज का दिन शुभ है, क्योंकि आज चतुर्दशी तिथि है। आज भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन में बड़ा सौभाग्य लेकर आया है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, मंगल शनि राहु के प्रभाव से आपका जीवन खुशी, सुख, भाग्य और समृद्धि से परिपूर्ण होगा, क्योंकि आज मंगल शनि राहु का प्रभाव है। इस समय आपकी कुंडली में मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में, साथ ही शनि आपकी कुंडली के सुख स्थान में बैठा है। लेकिन मंगल के दसवें घर में चंद्रमा और चंद्रमा के चतुर्थ घर में मंगल का गोचर हो रहा है, यानी आज आपके लिए बेहतर परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। इसलिए अपने सभी रुके हुए काम को आप तेजी से पूरा करने में अपनी मेहनत लगा दें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए सौभाग्य और भाग्य का साथ है। आपके जीवन में बड़ी तरक्की का योग बना रहा है, मेहनत से अच्छे नतीजे आप हासिल कर पाएंगे, धन कमाने का अवसर भी मिलेगा और आपके जीवन में सुख की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि आज मंगल शनि राहु का प्रभाव आपके लिए बेहद ही शुभ है। आपकी कुंडली के पंचम भाव में इस समय चंद्रमा का उदय हुआ है, साथ ही चतुर्थ भाव में शनि का गोचर है। आपकी कुंडली के लाभ स्थान में शुक्र सूर्य के साथ बैठा है और द्वादश भाव में बुध है, यानी भाग्येश आपका जो मंगल है उसके ऊपर शुक्र का भी प्रभाव है, उसके ऊपर चंद्रमा का भी प्रभाव है, उसके ऊपर बृहस्पति का भी प्रभाव है। जब ऐसा योग बनता है तो आपके मन का जो विश्वास होता है वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, मन में कुछ करने की इच्छा प्रबल हो जाती है, आपका जुनून आपके जीवन के संघर्ष पर बेहतर नतीजा देता है, आपकी कार्य क्षमता जीवन में तरक्की देता है। सौभाग्य सुख के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने परिश्रम से अपने भाग्य को चमकाने का अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। अपने जीवन में आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में इच्छाओं की जो पूर्ति करना चाहते हैं, उसके लिए जो आप कर्म करते हैं आपका कर्म सफल होता है, क्योंकि शनि जो कर्म का स्वामी है आपकी कुंडली के सुख स्थान में बैठा है और राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। शनि की शक्ति पाकर राहु आपके लिए एक नई शुरुआत करेगा, अचानक शुभ समाचार देगा, आपके जीवन में पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाएगा, स्थिति बेहतर होगी और जीवन के जिन मुश्किलों का आप सामना कर रहे थे वो मुश्किल समाप्त होगी, क्योंकि ये समय बड़ा अच्छा है। आपके जीवन की जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, आपके जीवन की जो छोटी छोटी मुश्किलें हैं वो आज खत्म होगा, क्योंकि आज ये बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि है। बृहस्पति पराक्रम स्थान का स्वामी है, आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठा है
और सूर्य आपके लिए लाभ स्थान का स्वामी है, अपने घर में गोचर कर रहा है। ऐसा योग जीवन में चतुराई देता है। ऐसे योग में सुख और खुशी की अनुभूति होती है। ऐसे योग में ही आप तरक्की करते हैं और ऐसे योग में ही खुशियों का आगमन आपके जीवन में होता है। क्योंकि मंगल जो है वो रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है और मंगल के सुख स्थान में सूर्य बैठा है, यानी मंगल जो आपको धन देगा, सुख देगा, वो सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होकर देगा। सूर्य आपकी कुंडली के लाभ स्थान में बैठा है, यानी जो सुख खुशी आपको मिलेगी उससे आपके जीवन में लाभ होगा, तरक्की की प्राप्ति होगी। वही बृहस्पति जो आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है, मंगल के लाभ स्थान में बैठा है, और चंद्रमा मंगल के कर्म स्थान में, आपके कर्म स्थान का स्वामी भी चंद्रमा है। मंगल आपको अपने कर्मों का फल देगा। मंगल आपके अंदर सामर्थ्य शक्ति को बढ़ाएगा, आपके जीवन में भोग विलास देगा, आपके जीवन में उपलब्धि देगी, साथ ही भाग्योदय का योग बनाएगा। क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति बेहद ही मजबूत है। मंगल के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, जिसकी ताकत पाकर मंगल आपके जीवन में खुशी और सुख को बढ़ाएगा, आज आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आएगा। वहीं शनि की बात करें तो बुध, शुक्र, राहु, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जिसकी शक्ति पाकर शनि बड़ा मजबूत हो जाता है, और शनि की शक्ति पाकर राहु आपके जीवन में तरक्की का योग बनाता है। क्योंकि शनि आपके लिए सुख स्थान का स्वामी है, अपने घर में बैठा है। बुध जो द्वादश में बैठा है, शुक्र जो लाभ स्थान में, और राहु जो सप्तम भाव में, शनि कर्मों का फल देता है। आप अच्छे कर्म करेंगे क्योंकि आपके मन में अच्छे विचार जीवन में बेहतर आगे बढ़ने का अवसर लेकर आएगा। एक नई शुरुआत के लिए समय अच्छा है। ऐसे समय में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, हर काम को सोच समझकर मेहनत से करें, क्योंकि ये समय आपके लिए उपलब्धि लेकर आएगा, आपके जीवन में सफलता हासिल करने का साहस देगा। ग्रह की स्थिति आपके लिए शुभ है। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। अपने वाणी से आप किसी का भी मन मोह सकते हैं। आपके जीवन में सुखद और खुशनुमा माहौल आपके परिवार में खुशी देगा, आपके परिवार में समृद्धि देगा, आपके परिवार में उन्नति लेकर आएगा। ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, अपने कारोबार में आप धन भी कमाना चाहते हैं, अपने कारोबार में दूसरों से आगे भी निकलना चाहते हैं, तो आपके आत्मविश्वास, आपका मनोबल आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको सक्षम बनाएगा। क्योंकि आज राहु पर शनि की शक्ति का प्रभाव है, जिससे राहु आपके लिए श्रेष्ठ सफलता का योग बनाएगा। शनि इस समय मंगल के प्रभाव से प्रभावित है, जबकि आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है। साथ ही शुक्र केतु के प्रभाव से प्रभावित है, यानी आपके जीवन में चंद्रमा, बृहस्पति, राहु और शनि, ये चार ग्रह साथ में मंगल, ये पांच ग्रह धन बढ़ाने का काम करेंगे। जबकि चंद्रमा के कारण सुख और धन कमाने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। शनि कर्म का स्वामी है। शनि की शक्ति पाकर राहु आपके जीवन में अचानक आपके कर्मों का फल और खुशियों को बढ़ाएगा। चेहरे पर मुस्कुराहट शुक्र के कारण प्राप्त होगा और आपके जीवन की बाधाएं बुध दूर करेगा। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर अवसर लेकर आया है। आज का दिन आपके सपनों को साकार करेगा। आज के दिन आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। भाग्य अच्छा है। अपने कर्मों से जीवन में बड़े लाभ आप अर्जित करेंगे। तुला राशि वालों, आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा।
प्रथम चरण का स्वामी बुध है, द्वितीय चरण का स्वामी चंद्रमा है, तृतीय चरण का स्वामी राहु है और चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है। बुध की बात करें तो बुध द्वादश में बैठा है और बुध के ऊपर इस समय बृहस्पति की दृष्टि है। बुध के ऊपर शनि का प्रभाव है, बुध के ऊपर राहु का प्रभाव है और बुध इस समय शनि के प्रभाव से सुख बढ़ाएगा, राहु के प्रभाव से अचानक तरक्की देगा और बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में शुभ कर्म का शुभ परिणाम देगा। वहीं द्वितीय चरण का चंद्रमा जो आज आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठकर आपके परिवार की स्थिति को अच्छा बना रहा है। चंद्रमा जिसके सुख स्थान में बुध बैठा है, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की उतार चढ़ाव आ रही है, आज चंद्रमा आपके जीवन में आपकी समस्याओं को खत्म करेगा, आपके जीवन में लाभ तरक्की का योग बनाएगा। क्योंकि आज ये ग्रह की स्थिति सफलता कामयाबी और आपकी परिस्थिति को बदलेगा। आज का दिन आपके लिए बेहतर साबित होगा क्योंकि आपके समय आपके पक्ष में है, आपके लिए लाभ तरक्की का योग है, सुख समृद्धि का योग है। तृतीय चरण का राहु सप्तम भाव में बैठा है, शनि की शक्ति पाकर राहु आपके लिए अचानक लाभ का योग बनाएगा और मंगल जो आपके जीवन में धन देता है, आज चंद्रमा बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित है, इसलिए मंगल आपके जीवन में धन देगा, सुख देगा, सौभाग्य को बढ़ाएगा। जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप सफलता हासिल करेंगे, सुख और धन आपके जीवन में बढ़ेगा। तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। आज का दिन शुक्रवार 9 सितंबर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुकर्मा योग, अपने कर्मों का फल। आज मंगल शनि राहु का प्रभाव, धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल शनि और सतविषा नक्षत्र में शनि राहु, वहीं बृहस्पति सूर्य की दृष्टि, आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति करना, तरक्की उन्नति, जीवन में अपने कर्म से अपने भाग्य को चमकाना, नौकरी व्यापार में धन कमाना, अपनी कार्य क्षमता से जीवन का सुख पाना। आज का दिन आपके लिए शुभ समाचार, आपके जीवन की तकलीफों को दूर करेगा, आपके जीवन में लाभ तरक्की का योग बनाएगा, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ है। चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहा है, आज जीवन सुखद परिणाम लेकर आएगा और आपके जीवन में बड़े लाभ की प्राप्ति होगी, कार्य में सफलता, व्यापार में धन की स्थिति अच्छी होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके लिए आज बड़ी सफलता कामयाबी का योग है। आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:31 से 5:17, ब्रह्म मुहूर्त में आज आपके जीवन में मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। साहस सामर्थ्य और शक्ति, दिन की शुरुआत उत्तम होगी, अपने परिश्रम से अपने कर्म से जीवन में आप सफलता हासिल करेंगे। रवि योग सुबह 6:03 से 11:35 का समय, धनिष्ठा नक्षत्र में आपके लिए शनि का प्रभाव बेहतर स्थिति का निर्माण करेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:43 का समय, सतविषा नक्षत्र में शनि के प्रभाव से जीवन में खुशियों का बढ़ना, शनि के प्रभाव से लाभ की स्थिति, शनि के प्रभाव से सुख की वृद्धि। विजय मुहूर्त 12:23 से 3:13 का समय, बृहस्पति सूर्य की दृष्टि और मंगल का प्रभाव आपके लिए उत्तम योग जो सफलता कामयाबी खुशखबरी देगा। अमृत काल सतविषा नक्षत्र में राहु के प्रभाव से जीवन में अचानक लाभ की स्थिति, तरक्की, समृद्धि, सौभाग्य।
आज का राहु काल 10:44 से 12:18 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 5 होगा। तो तुला राशि वालों, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। आज आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति, आपकी कुंडली में शनि राहु का प्रभाव अच्छा है, साथ ही बृहस्पति, सूर्य भी, चंद्रमा भी और बुध भी अपने प्रभाव से आपके जीवन में शुभ लाभ का योग बना रहा है। बड़ी खुशखबरी मिलेगी, समृद्धि, सुख बढ़ेगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मेहनत से काम करेंगे, भाग्य चमकेगा, धन और सुख की प्राप्ति होगी। तो ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री